नमस्कार दोस्तों, जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखते हैं जो अभी हमारा 24-25 तारीख में बिहार सुपर टेट का पेपर हुआ है, उसके हम आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैथ के, उनको देख लेते हैं। तो ये हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन पूछा गया है बिहार सुपर टेट में, इसे देखते हैं। ये सरलीकरण का सवाल है, लिखा है अंडर रूट 1 + 27/169 बराबर 1 + x/13, इसके बराबर ये दिया हुआ है। इसमें x का मान हमसे पूछ रहा है, तो इसे किस तरीके से हम करेंगे, इसको 169 की 1 से गुणा करेंगे और 27 ऐड कर देंगे, मतलब इसे सरल भिन्न बनाएंगे। तो 169 एक कम 169 और 27 196, ठीक, इधर नीचे हो जाएगा 169, 169 एक का 169 और प्लस 27, तो 196/169 बराबर 13 + 13 + x, तो क्या हो जाएगा 13 + x/13, और इधर अंडर रूट लगा है, ठीक है। तो 196 किसका होता है, 14 का स्क्वायर किसका होता है, 14 का 196, और इसका 13 का होता है 169 बराबर 13 + x/13, तो 13 से 13 कट जाएगा, और जब 14 = 13 + x है, तो प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो एक्स वाला क्या हो जाएगा 14 - 13, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x = 1, ठीक। तुम्हारा इसका x का मान कितना आ जाएगा, 1 निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं, क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। दो नंबर आप क्वेश्चन देख लें, बोर्ड पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो लिखा है कि एक फर्नीचर को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य मान लेते हैं 1 रुपया, ठीक है। तो 30 कुर्सियों का कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, 30 रुपया, और 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब 6 कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 6 रुपया। ये 6 रुपया, लेकिन ये क्या है, ये हानि है हमारी, ये हानि होती है इसको, मतलब सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया 30 कुर्सियों का कितना, 30 रुपया, और हानि आ गई हमारे पास 6 रुपया, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी होगी हमारी, 36 रुपया, हानि बराबर SP - CP, हानि बराबर CP - SP, हानि कितनी हमारी 6 रुपया, CP ज्ञात करना है, SP कितना है 30, CP कितना आ जाएगा, माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 36 रुपया, तो CP हमारी आ गई 36 रुपया। अब SP भी है CP भी है, निकालना है हानि प्रतिशत, हानि कितना है 6 रुपये का अंतर, यहाँ से या सीधे ये देखो आ रहा है 6 नीचे SP 36 CP इंटू 100 प्रतिशत में निकालना है, 3 × 6 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 12, 2 × 6 = 2, 5 = 10, 50/3 प्रतिशत या 16 × 3 = 48, 16 × 2 = 3% हानि होगी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा, तीसरा जो ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन है हमारा, दिया हुआ है कि दो अंकों की एक संख्या, इसके ऑप्शन पहले हम लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर एक दिया हुआ है, ऑप्शन लिख लेते हैं, इसके ऑप्शन नंबर दो है 73, ऑप्शन नंबर तीन है 49, और 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, एक से
अधिक, और पांच नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, और यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या क्या है। तो ऑप्शन से इसे करते हैं, लिखा है कि संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, 8 चक्कू 32, 7 21, 9 चौक 36। मतलब एक संख्या मिली जिसके अंकों का गुणनफल 36 है, ये ऑप्शन तुम्हारे हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन है कि यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या क्या है। अगर संख्या 49 है तो अगर इसमें से हम 45 माइनस करेंगे तो कितना हमारे पास आएगा, खाली 4, लेकिन आना कितना चाहिए, संख्या के अंक बदल जाते हैं, आना चाहिए 94, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा फॉलो नहीं करता है, तो एक से अधिक तो होंगे नहीं जब एक भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, फिर कामा लगा है, लिखा है ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी ए सी स्क्वायर बटे ए बी। तो हमें इसका मान निकालना है, एक फार्मूला होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, ये होता है हमारा फार्मूला। तो अगर इसे हम ए बी सी का मान अगर शून्य है, मतलब 0 है, अगर यहाँ हम 0 करेंगे तो 0 से किसी की गुणा कराओगे क्या हो जाएगा, 0। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, ए स्क्वा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ये निकल कर आएगा, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, इनके हर हमको बराबर करने पड़ेंगे तभी हम इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ एक ही कमी है, तो यहाँ ए से गुणा करा देंगे, यहाँ बी से करा देंगे, यहाँ सी से, नीचे कराओगे ऊपर भी करानी पड़ेगी, ठीक है। तो ऊपर क्या बन जाएगा हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बटे ए बी सी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या है, 3abc बटे ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा इसका, 3। इसका ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, 3 नंबर वही ऑप्शन हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया हुआ है, 4x + 1 + 4y - x बराबर 10 का हल क्या है, मतलब x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है -1y2, दूसरा है 1y2, तीसरा 0, चौथा एक से अधिक, पांचवा है नन ऑफ दीज। तो हम इसे ऑप्शन से करेंगे, वैसे इसको करोगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 2 को पकड़ते हैं, ठीक है, तो हम मान रखे धरेंगे x की जगह हम 1/2 का मान पुट करेंगे, तो 4x मतलब 1/2 प्लस 1 प्लस 4x - 1y2 बराबर 10। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4x - 2 प्लस 4x - 1/2 बराबर 10। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा में दिया हुआ है 3/2 प्लस 4 की पावर 2, इसे 4 को लिखेंगे हम 2 की पावर 2 गुणा में दिया 1/2 बराबर 10। 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1, तो ये 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 2 की पावर 1 तो बराबर 10। तो 10 बराबर कितना आ जाएगा, 10। अगर ये ऑप्शन हमारा
सेटिस्फाई, ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1 बराबर 10। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, प्लस 2 बराबर 10। 8 तो 10 बराबर 10, मतलब कहने का है ऑप्शन नंबर 2 हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में हम x की जगह 1/2 मान रख के देख लेते हैं, यदि इनका जोड़ 10 के बराबर है तो ऑप्शन हमारा वही सही है। ठीक, इस तरह हम ऑप्शन से इसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा। सवाल हमसे ये कह रहा है कि किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं। ठीक है, ये दोनों खेल हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं, और दोनों में 220 भाग लेते हैं। दोनों में क्लब में टोटल सदस्य पूछ रहा है, तो हम इधर ये हो गए हमारे तंबोला वाले और ये हो गए हमारे रम्मी वाले, और तंबोला प्लस रम्मी ये दोनों, तो तंबोला में कितने हैं 350, रम्मी में कितने हैं 320, दोनों में कितने हैं 220। अब अगर यदि दोनों में 220 हैं तो 350 माइनस 220 कर देंगे तो हमारे तंबोला वाले सही निकलाएंगे कि केवल तंबोला में कितने सदस्यों ने भाग ले रखा है, तो हमारा कितना आ जाएगा 130। मतलब खाली तंबोला वाले हमारे पास कितने हैं 130। इसी तरह से हम देखेंगे रम्मी में कितने हैं, तो 320 माइनस 220 तो कितना आ जाएगा 100। तो इधर कितने हो जाएंगे खाली रम्मी वाले 100। अब ये सवाल पूरा बन चुका है, ये केवल 130 किसके हैं तंबोला के, खाली रम्मी के कितने हैं 100, दोनों में कितने हैं 220। पूछ रहा है कि दोनों में मतलब खेल में पूरे क्लब में कितने सदस्य हैं, तो पूरे क्लब में कितने सदस्य हैं 130 तो हो गए तंबोला वाले, 100 हो गए रम्मी वाले, और दोनों वाले कितने हैं 220, तो कितना आ जाएगा 450। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये इस तरीके से सवाल हल करेंगे, रीजनिंग के सवाल हैं।